तो आप कहाँ थे मिस्टर करण लूथरा? मैं होटल कासल इन में था, अपनी वाइफ प्रीता के साथ। मिसेस प्रीता लूथरा, तो कल आप अपने पति के साथ होटल में थी? आप बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं एसीपी साहब। मैंने कहा मैं अपनी वाइफ प्रीता के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाकर गया था, लेकिन प्रीता लेट हो गई आने में, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और जब वो नहीं आई तो मैं मायरा के साथ घर के लिए निकल गया। इंटरेस्टिंग, अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब कल माहिरा भी घर पर नहीं थी, वो करण के साथ होटल में थी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मेरे साथ थे, वो वहां अपने किसी दोस्त से मिलने आई थी। उसका वो दोस्त आया या आई नहीं या लेट हुई, इसलिए हम दोनों घर के लिए साथ में निकल गए। मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, आपने बताया नहीं, कितना टाइम ले लिया? अब तक तो आपने सोच लिया होगा ना कि आपको क्या बोलना है। तो बताइए, कल आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मिसेस प्रीता लूथरा, क्या आप जानती हैं मैंने ये सवाल सबसे क्यों पूछा कि ये सब लोग कहाँ थे? क्योंकि मैं सच में नहीं जानता कि ये सब कहाँ थे, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कल रात को आप कहाँ थीं। मतलब मिसेस प्रीता लूथरा, अब कहानी खुल चुकी है, किरदार सामने आ गया है, चेहरों से पर्दा उठ गया है। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप पूरी कहानी खुद सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अक्षय का कातिल हमें मिल गया है और वो आप हैं मिसेस प्रीता लूथरा। यू आर अंडर अरेस्ट। सुशीला। यस सर। मिसेस प्रीता लूथरा को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके। एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ऐसे ही पुलिस स्टेशन ले चलो, सबूत क्या आपके पास? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे? प्रीता जी ऐसी है ही नहीं। आप इनके वकील हैं क्या? नहीं, मैं इनका। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी कहानी सुना दूं कि कल रात को कौन कब कहां क्या कर रहा था? सुशीला, अरेस्ट हर। यस। यू कांट अरेस्ट हर। ओके, क्या सबूत है आपके पास कि प्रीता ने अक्षय का खून किया? आपके पास क्या सबूत है कि प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया? व्हाट, आर यू सीरियस? आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। मैं प्रीता से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। नो, अरेस्ट हर। एसीपी साहब, आप मेरे पति को, हमारे परिवार को काफी टाइम से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस रिश्ते नाते के खातिर प्लीज प्लीज मुझे अपने बहू से अकेले में 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच। प्रीता, पुत्र मेरे साथ चल। गलती कर रहे हैं आप एसीपी साहब। प्रीता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास, बेगुनाह है वो। वो बेगुनाह थी जब तक उसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ था। अब गुनाह भी है और गुनहगार भी। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? हाँ, शक। शक से कहानी शुरू होकर सबूत तक जाती है,
और शक उसी पर होता है जो जुर्म के दायरे में आता है। एक काम कीजिए, मुझ पे भी शक कीजिए, अरेस्ट में। शक करने के लिए मुझे सबूत और गवाहों की भी जरूरत है, एंड आई एम सॉरी, मेरे पास आपके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, इसलिए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानिए, अगर मेरे पास आपके खिलाफ रत्ती भर भी सबूत होता ना, तो मैं आपको अरेस्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाता। इसका मतलब प्रीता के खिलाफ आपके पास सबूत है? मैंने मना किया ना, छोड़िए तो उसका ऐसे नहीं लेके जा सकते आप। मना किया ना मैंने, मेरे होते हुए कोई प्रीता को यहां से नहीं लेकर जाएगा। देखिए, आप कानूनी कार्यवाही में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसको यहां से लेकर नहीं जा सकते, छोड़िए इसे, खोलिए। अरे सिम। यस सर। करण को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हटिए हटिए। अरे करण को क्यों हाथ लगा रहे हो, उसकी क्या गलती है? उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो प्लीज इन्हें मत छुइए। मैं कह रही हूं ना कि मेरी गलती है। मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, मैंने कुछ भी जान, एक्चुअली वो अक्षय अच्छा लड़का था ही नहीं, अक्षय बहुत बुरा लड़का था। कृतिका और अक्षय की शादी टूटने के बाद भी कृतिका को कॉल करके उसे परेशान करता था, तो मैंने जब उसे उस होटल के बाहर देखा तो मैंने सोचा कि उसको फॉलो करके उससे बात करती हूँ, उसको कहती हूँ कि हमारी कृतिका को परेशान करना बंद करे। तो मैं उसके पीछे गई और मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उसे समझा रही थी, लेकिन हम दोनों के बीच में आगेवंड हो गया, आगेवंड बहुत हीटअप हो गया, और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, तो मेरे हाथ में वो एक लकड़ी का ट्रे आया, मैंने उसके सर पे मार दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी जोर से चोट लग जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी। मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, किसी को मारने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हें बताने वाली थी, मुझे मौका नहीं मिला, I'm sorry। लेकिन बताया तो नहीं ना, ना मुझे तुम्हारी सॉरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। कुछ नहीं सुना मुझे। करण बात करो, दिन पूरे नहीं हुए, तीसरा दिन चल रहा है, आधा दिन हुआ है, आधा दिन बाकी है और पूरी रात बाकी है।
आज मेरे चैलेंज के 3 दिन पूरे हो गए, करण प्रीता अलग हो गए। आई जस्ट कांट बिलीव इट, प्रीता अरोरा ने अक्षय का खून कर दिया। गॉड, अभी अभी तो मैंने उस लड़की पे विश्वास करना शुरू किया था, लेकिन ये लड़की विश्वास के लायक ही नहीं है। पता नहीं ये लड़की करती क्या है, जब से आई है ना गलत काम कर रही है, और जब से आई है इस घर में मुसीबत ही मुसीबत आती जा रही है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ये लड़की कोई ना कोई ड्रामा जरूर करती है। एक बात सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रीता को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। करीना फोन दे। पुत्र फोन तो तुझे दे देंगे, लेकिन प्रीता के लिए किसी को फोन नहीं करेगा, समझा तू? क्यों नहीं करूंगा अम्मा, बाप हूं मैं उसका, बेटी है वो मेरी, इस घर की बहू वो बाद में बनी है, पहले मेरी बेटी बनी थी वो। प्रीता, आपसे कोई मिलने आया है? भाभी, कृतिका, आप ठीक हो ना? हाँ, मुझे तुझसे बहुत कुछ पूछना था। जो भी बात करनी है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। थैंक्स, मुझे भी आपसे मिलना था भाभी। कृतिका, वो मुझसे बहुत नाराज है ना, करण मुझसे बहुत नाराज। भाभी, आप ऐसा कैसे कर लेते हो हमेशा? अपनी हालत देखिए, आप जेल में बंद हैं, इतनी टेंशन में हैं, आपको फिर भी इस बात की फिक्र है करण भाई कैसे हैं, वो गुस्से में है कि नहीं? भाभी, अपना भी सोच लिया कीजिए प्लीज। मैं क्या करूं, मैं बुला नहीं पा रही हूँ कि करण मुझे कितना अपसेट था, इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसे लेन के बाहर देखा, हो सकता मेरा वहम। तुझे पता है करण ने हम दोनों को होटल के बाहर देख लिया था? क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो भाभी? लेकिन टेंशन मत लेना, उसे लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन ये बात उसने मुझसे की थी। जब उसने मुझे ये कहा, मुझे तभी करण को सब कुछ बता देना चाहिए था, करण से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं बताया? पता है, मैं चाहती थी कि मैं तुझसे ये बात करूं कि मुझे लगता है कि करण को बता देना चाहिए, और कुछ भी मैं कर पाती उससे पहले ये सब कुछ हो गया, इसी पे आ गया और मुझे यहाँ ले आया। करण ने तुझसे कुछ कहा? आई एम श्योर तूने करण से कहा होगा कि मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आए। ऑफकोर्स भाभी, ऑफकोर्स मैंने उनसे कहा था, उनके रूम में गई भी थी मैं, पर भाभी बहुत गुस्सा था करण भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा था। भाभी, हम ये सारी बातें भाई को बता क्यों नहीं देते? देखिए, सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जाके बता देते ना, हम क्यों छुपा रहे हैं उनसे? बता तो दिया है, छुपाए क्या है? सिर्फ वो फोटोज और वीडियोस की बात, वो भी तू जानती है कि क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तेरी इज्जत पर कोई भी आ जाए, या लूथरा परिवार को समाज के आगे सर झुकाना पड़े। और ये सब कुछ बताने से भी क्या हो जाएगा? अक्षय एक बुरा इंसान था, वो बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ये तो मैंने कहा ना कि वो तुझे हरास कर रहा था कॉल करके, और उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो अगर हम फोटो और वीडियो की बात करते भी हैं, तो उससे बदल क्या जाएगा? अक्षय जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे नहीं लगता कृतिका कि हमें ये बात बतानी चाहिए, बाकी जो तुझे ठीक लगे। इसका मतलब यही हुआ ना भाभी, ये सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से आज आप जेल में हैं, मेरी वजह से पूरी फैमिली टेंस्ड है, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये हालत है। उससे अच्छा मैं बता ही देती, लेकिन भाभी, I'm really sorry, मैं आपको इस कंडीशन में नहीं डालना चाहती थी। प्लीज कृतिका, प्लीज ऐसा कुछ मत बोल, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तूने क्या गलत किया है? ना तूने गलत किया है, ना मैंने गलत किया है, भगवान सब देख रहे हैं। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बता, माँ को किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ? सुशील। यस सर। हजार हजार की शर्त लगा, ये पक्का प्रीता लूथरा की माँ है। नमस्ते, इसका सब, वो मेरी बेटी है प्रीता लूथरा। हाँ। आपने उनको रेस्क्यू किया है? कमाल है, लोगों से हजारों तरह के सवाल करते हैं,
लेकिन हम पुलिस वालों से बस एक ही सवाल करते हैं कि आपने फलाना ढिमकाना को क्यों अरेस्ट किया। अरे भाई, हम रोड पे चलते हुए लोगों को ऐसे ही थोड़ी ना उठा लेते हैं। हम सिर्फ उन्हें अरेस्ट करते हैं जिन पर शक होता है, और शक उन्हीं पर होता है जो गुनहगार होते हैं। लेकिन एसीपी साहब, मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। अब आपने गलत इंसान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मामा बिल्कुल सही कह रही है, मेरी दी बेगुनाह है। अगर आप पुलिस वाले ठीक से काम करो ना, तो कोई आपको आकर ये नहीं पूछेगा कि आपने फलाना ढिमकाने को अरेस्ट क्यों किया। वाह, वैसे आपकी बेटी बोलती बहुत धमाल है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दूं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, वहां पर भी सिर्फ बोलना होता है। जो जी में आए बोलो, सही गलत कुछ भी बोलो, जैसी बकवास तुम अभी कर रही हो। एसीपी साहब, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मुझे प्रीता लूथरा से मिलना है, मैं उससे मिल सकती हूँ? ये है सही सवाल, और इसका जवाब है कि मैं आपको आपकी बेटी से क्यों नहीं मिलने दूंगा। अरे आप जैसे ही आए, मैं तो आपको आपकी बेटी से मिलवाने वाला था, लेकिन आपकी इस दूसरी बेटी ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपका भी और मेरा भी। सुशीला, यस सर, इन्हें इनकी बेटी से मिलाओ। जी सर, आई। मैं आती हूँ। एसीपी साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, और ना ही आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपने मेरी दी को अरेस्ट करके गलत किया है। तो ये आपका जजमेंट है। आपके कहने का मतलब है कि जितने सबूत और गवाह हैं सब झूठे हैं, है ना? कौन सा गवाह? परसों कोर्ट में हियरिंग है, कोर्ट आ जाना और खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लेना। और हाँ, जब तुम आई थी तुमने सवाल पूछा था कि आपने मेरी दी को क्यों अरेस्ट किया, ये गलत सवाल था। अगर तुम सही सवाल पूछती तो वो होता कि मेरी दी ने क्या जुर्म किया था, तो मैं तुम्हें बड़े ही अदब से जवाब देता। लेकिन तुमने तो मुझे सही जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। एसीपी साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आपके मेरी दी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। पुलिस तो सबको दुश्मन ही लगती है, और मुझे तो हर उस इंसान से प्रॉब्लम है। ओ, आपकी भाषा में बात करते हैं, मुझे तो हर उस इंसान से दुश्मनी है जो कानून का दुश्मन है, जिसने भी कानून की नजर में कुछ गलत किया है, और आपकी प्रीता दी वही गलत। मिस्टर करण, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे एसीपी साहब। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि प्रीता बेकसूर है, इनोसेंट है वो। और अगर वो इनोसेंट नहीं हुई तो साबित कीजिए। आप क्यों नहीं साबित करते कि वो? क्योंकि पुलिस आप है, मैं नहीं। मेरा काम है गुनहगार को अरेस्ट करना, और कोर्ट का काम है गुनाह साबित करना और गुनहगार को सजा देना। मैंने अपना काम कर दिया है, और कल दोपहर 3 बजे कोर्ट भी अपना काम कर देगा। तुम भी अपना काम करो, साबित करो कि प्रीता इनोसेंट है। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? मुझे तो ये बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा, शायद तुम्हें लग रहा होगा। इसलिए प्लीज ये बेबुनियादी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, और जाकर एक लॉयर हायर करो। हाँ, यहाँ पर जरूर मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा। जो लॉयर ज्यादा फीस चार्ज करता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। लॉयर वो अच्छा है जो तुम्हारी तरह बिलीव करे कि प्रीता इनोसेंट है, फिर वो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रीता को इनोसेंट साबित करने के लिए केस लड़ेगा, एंड दैट टू विद फुल पैशन। थैंक यू एसीपी साहब, फ्री की एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरा लॉयर आ रहा है अभी। क्यों? सॉरी करण। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली जब तक मैं कोर्ट पहुंचा कोर्ट बंद हो चुका था, सो बेल नहीं मिली। What do you mean by बेल नहीं मिली? करण, प्रीता को आज ही रात यहीं बितानी होगी, वो आज बाहर नहीं आ सके। Are you mad? प्रीता यहाँ कैसे रुक सकती है इस जेल में? आपने देखी जेल? हाँ, कहाँ सोएगी वो, क्या खाना खाएगी, यहाँ का खाना खाएगी? Useless. If I'm not mistaken, आप वही लॉयर है ना जिसने वर्मा को मर्डर केस से निकाला था? जी हाँ। गुड, यू आर गुड एट योर जॉब। थैंक यू। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वर्मा ने ही उस लड़के को मारा था और तुमने उसे बचाया। वो केस तो तुम जरूर जीत गए थे, लेकिन ये केस मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं जीतने दूंगा। सबको लगता है प्रीता इनोसेंट है,
पर प्रीता क्यों नहीं कहती कि वो इनोसेंट है? क्योंकि वो गुनहगार है। And I'm damn sure, गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिल कर रहेगी। वकील साहब, कल का फैसला आने से पहले बता दूं, कल प्रीता सीधा कोर्ट से जेल जाएगी। Mark my words. सृष्टि, तुम अब आ रहे हो और तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया मुझे? सृष्टि, I'm really sorry, but जब ये सब हुआ तो मैं वहाँ पे था नहीं। बस अभी आधे घंटे पहले ही वापस आया और जैसे ही पता लगा तुम्हारे पास आ गया। I'm really sorry, मुझे सुनके बहुत बुरा लगा कि भाभी को अरेस्ट कर लिया। तुम टेंशन मत लो सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा। जीजू, दी से मिलने जा रहे हैं। बाकी काम भी है मुझे, किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। जीज, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? ये बात तो अपनी बहन से पूछ, दी प्रीता अरोड़ा से, समझे? अपने हस्बैंड से कोई कुछ छुपाता है? उसने ये बात तक नहीं बताई कि वो, अगर ये सब उसने मुझे बताया होता ना, मैं सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल करता, यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। लेकिन नहीं, मुझे नहीं बताती क्योंकि मुझ पर विश्वास नहीं करती। ऐसी बात नहीं है जीजू। तो कैसी बात है? हाँ, कैसी बात है चीज भाई? आपको पता है ना, टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो बेकसूर है। तो तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसने क्राइम किया। हाँ, वो एक मच्छर नहीं मार सकती, किसी को क्या मारेगी? तो फिर आप दी से मिलने, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दी से मिलने जाओ ना, उन्हें अच्छा लगेगा। एक तो वो पहले से ही गिल्ट में है कि उन्होंने आपको ये सारी चीजें बताई नहीं, क्या बताना सकी। आई डोंट नो, वो प्लीज दी से मिल लो ना एक बार। पागल हो गया क्या करण जीजू? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये दी के कोई मदद करने वाले हैं। सृष्टि, तुम भाई के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, एंड आई एम श्योर उनकी हेल्प जरूर करेंगे। बस उनको थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम? तुम्हें पता है ना दी कहाँ पर है, और दी अकेली है। नहीं सृष्टि, भाभी अकेली नहीं है, जगह की दूरी है, दिल की नहीं। और मेरा दिल कहता है भाई उनकी जरूर हेल्प करेंगे, और बस वो ऐसे ही बोलने के लिए बोल गए कि काम है, लेकिन वो जरूर पुलिस स्टेशन गए होंगे भाभी की हेल्प करने के लिए। और एली, पुलिस स्टेशन गए होंगे? हाँ। अरे जब मैंने उनको बोला कि आप बी से मिलने जा रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं नहीं मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि वो किसी काम से जा रहे हैं। मैं सृष्टि, भाई अपनी जो दिल की बातें इतनी आसानी से किसी से बोलते नहीं है। एंड तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब भाभी के साथ है और कुछ भी करके उनको जरूर बाहर निकालेंगे। ओके, आपसे कोई मिलने आया है ऊपर की परमिशन से, आपके पास समय कम है, जितना जल्दी हो सके बात कर लीजिए। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, अगर पता होता तो कभी मिलने के लिए हाँ नहीं करती। आपको क्या लगा प्रीता जी, अगर मैं नहीं आता तो और कौन आता? वो क्रिकेटर, गिल्ली डंडा प्लेयर आपसे मिलने के लिए आएगा? प्लीज प्रीता जी, आप गलत फहमी में रहना बंद कर दीजिए। आप जानती भी है वो इस वक्त क्या कर रहा है? घर पे आराम कर रहा है, उसको आपकी फिक्र ही नहीं है, आपकी टेंशन ही नहीं है। ही डजंट केयर फॉर यू। आई केयर फॉर यू प्रीता जी, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी टेंशन है, इसीलिए यहां आया हूं। आपसे मिलने के लिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बोल दिया जो तुमने बोला था, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, अब जाओ यहां से। प्रीता जी, ये क्या बात है? प्रीता जी जो यहां पर नहीं है आप उसका इंतजार कर रही है? मुझे देखिए, मैं यहां पर आया हूं आपके लिए। क्यों आया हूं आप बताइए, क्यों आया मैं आपके लिए?
क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। Oh, shut up. नहीं, प्यार करता हूँ मैं आपसे प्रीता जी, सबको दिखता है ये प्यार सिवाय आपके। क्यों नहीं दिखता आपको ये प्यार? मुझे जरा भी शर्म नहीं आती है, मुझे जरा भी रियलाइजेशन है कि तुम एक शादीशुदा इंसान से बात कर रहे हो। वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है प्रीता जी, कि आप उस हार्टलेस लूथरा को अपना पति मानती है। प्रीता जी, अगर आप अपने आप को शादीशुदा नहीं मान रही होती ना, तो आप मेरे दिल के सारे अरमान सुनती और अपने दिल के सारे अरमान मुझे सुनाती। तो अभी बता देती हो मेरे दिल के अरमान जानने हैं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, बहुत सारी नफरत। सुन लिया, अब निकलो यहां से। प्रीता जी, कहीं नहीं जाऊंगा। प्रीता जी, आपको पता है यहाँ आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की, कितनी जुगाड़ लगानी पड़ी। यहाँ तक आना इम्पॉसिबल था, बट मैंने वो सब किया, सारे एफर्ट्स डाले। क्यों? आपके लिए। न जाने कितने घंटों बाद जुगाड़ लगाए, तब जाके मुझे यहाँ आने की परमिशन मिली। प्रीता जी, क्या मिला मिलने के लिए? क्या मिला? सिर्फ 15 मिनट। फिर मैंने सोचा एक महबूब के लिए 15 मिनट ही काफी है। सुनो प्रीता जी, इन 15 मिनट में ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां सलाखों के पीछे देखकर ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। यू नो व्हाट प्रीता जी, दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, सबूत गवाह जो बोले बोले, मैं नहीं मानता दुनिया को, किसी सबूत किसी गवाह को नहीं मानता, मैं मानता हूं सिर्फ आपको। प्रीता जी, आप जो भी बोलती है ना, मुझे उस पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि आपने अक्षय का खून नहीं किया है, जानता हूं मैं। एक बात बोलूं, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं ना आपसे मिलने के लिए, तो आपको यहां से बाहर निकालने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं आपको यहां से निकालने के लिए। और एक तरफ है वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसको आपकी परवाह नहीं है प्रीता जी। ही डजंट केयर फॉर यू, आपकी टेंशन ही नहीं है उसको। क्या कर रहा है वो? आया यहां पर आपसे मिलने के लिए? नहीं आया, घर पे बैठा हुआ आराम कर रहा है। और एक तरफ मैं हूं आपका पृथ्वी जी, जुगाड़ लगाई मैंने, मेहनत की, एफर्ट डाले ताकि मैं यहां आ पाऊं और आपसे मिल सकूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें मुझसे करते हो? तुम भूल रहे हो क्या कि तुम्हारी शादी कृतिका से होने वाली है? कृतिका से शादी कर रहे हो तुम? नहीं समझ में आएगा आपको, ना जमाने को समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा प्यार समझ से कहीं ज्यादा ऊपर है प्रीता जी। इसीलिए आपको मेरा प्यार नहीं समझ में आएगा। तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूं पृथ्वी, तुम इसको कुछ भी समझो, वार्निंग या एडवाइस, अगर तुमने कृतिका के साथ कुछ भी गलत किया ना, या उसका दिल तोड़ा, तो फिर देखना। सराखों पर, आपका ये हुकुम भी सराखों पर प्रीता जी। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा प्रीता जी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे या जिससे आपका दिल टूटे। और आप मेरा दिल तोड़ रही हैं प्रीता जी, उस क्रिकेटर का इंतजार कर रही हैं आप। क्या किया उसने आपके लिए बताइए? क्या किया? अब तक कुछ किया उसने? आया आपसे मिलने के लिए? नहीं, जो आपसे मिलने के लिए आया है, दिल से मिलने के लिए, इतने एफर्ट डाल के, इतनी मेहनत करके, इतने जुगाड़ लगा के, उसकी आपको कदर ही नहीं है। एक तरफ देखिए अपने पृथ्वी जी को। यू नो व्हाट प्रीता जी, प्यार के मामले में ना वो गिल्ली डंडा प्लेयर कॉम्पिटिशन ही नहीं है मेरा, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। You know what? अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो आपको अरेस्ट ही नहीं होने देता मैं, पर मैं मजबूर था। मैं चाह के भी पुलिस वालों को नहीं रोक पाया, क्योंकि अगर वहां पे सबके सामने मैं रोकता ना, तो सबको पता चल जाता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।